खबर दें आपको नुशैरो फिरोज से, जहां पे हमारे नुमाइंदे आपको आगाह करते चले। नुशैरो फिरोज से मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नुशैरो फिरोज रेन एमरजेंसी और रिलीफ सूरत हाल सूबाई वजीर अब्दुल बारी बत्ताफी, सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज और निगरान रेन एमरजेंसी एंड रिलीफ नुशैरो फिरोज अब्दुल बारी बत्ताफी की सरबराही में जरिए इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदों और दीगर के साथ अहम इजलास। इस मौके पर एम एन ए जुल्फिकार और इसके अलावा एम पी ए मुमताज़ चांडी और वजीर आला के मावन खसूसी मौला बख्श, जो कि आपको बताएं कि मुबेजो और पीपल्स पार्टी जिला सदर फेरोज जमाली, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सुहेल अब्बासी, सैयद हसन शाह और जरई सरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताशफैन आलम ने सूबाई वजीर को जिले भर में होने वाले नुकसान और इमदादी कार्रवाई से मुतलिक ब्रीफिंग की। इजलास में बारिशों के बाद जारी रेस्क्यू रिलीफ वर्क और मुतासरीन की शिकायत के अजाले के हवाले से बात की गई। इस मौके पर मुतासर लोगों को राशन की फराहमी के अहम मामला हैं। इस ज़मन में कोशिशों को मजीद बेहतर करने की भी जरूरत है। बारिश के बायस पानी की निकासी के लिए जामिया हिकमत अमली जरूरी है। निकासी आपके अमल में एक इलाके से पानी निकालने के लिए दूसरे इलाके को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैनाल को कट लगाने की रिपोर्ट आ रही है। इस बात को भी नजर में रखना होगा कि इस वक्त दरियाई सिंध पर भी सैलाब का दबाव है। कैनाल पर कट लगाने से पानी वापस होगा, जिससे मजीद तबाही आ सकती है। सूबाई वजीर ने गैर जरूरी और इंतजाम की इजाज़त के बगैर पानी निकालने और शाखों पर कट लगाने वालों के खिलाफ कानून कार्रवाई की हिदायत की है। इसके अलावा मुखिया हजरात के साथ भी राबता करके इनको इमदादी कार्रवाई के अमल में शामिल किया जाए। कैंप और इनमें लोगों की दुरुस्त तादाद की अदाद और शुमार तरतीब दिए जाएँ। कुछ रिलीफ कैंप में बारिश का पानी जमा है, वहाँ से पानी निकाला जाए और मच्छर मार स्प्रे किया जाए। इससे बीमारियाँ फैलने का बहुत खतरा है। महकमा सेहत के डॉक्टर्स की टीमें बनाकर रिलीफ कैंप्स में भेजी जाएँ। वजीर आला इसके अलावा सूबाई वजीर अब्दुल बारी बत्ताफी ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए सख्त बरहमी का भी इजहार किया है।